हेलो एवरीबॉडी, और आज मैं आ चुका हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। और ये एक व्लॉगिंग वीडियो होने वाला है। तो आज मैं और मेरी पूरी फैमिली उज्जैन जा रही है। सो ये पूरा का पूरा व्लॉग उसी की जर्नी के ऊपर है। और इस व्लॉग में मैं आपको उस पूरी जर्नी की हाइलाइट्स दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमारी जर्नी स्टार्ट होती है ट्रेन के स्टार्ट होने से, और रास्ते में काफ़ी अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलते हैं। सो गाइज, प्लान ये है कि सबसे पहले हम लोग उज्जैन जाएंगे, वहाँ पे भगवान शिव के दर्शन करेंगे, जो ओमकारेश्वर पर उनका ज्योतिर्लिंग है। एंड उसके बाद हम लोग मुंबई की साइड, एंड मुंबई से हम लोग डायरेक्ट गोवा की तरफ जाने वाले हैं। तो जर्नी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होने वाली है, तो पूरी तरीके से आप वीडियो पर बने रहिए। एंड अभी ये अपना उज्जैन वाला व्लॉग आया, अभी उसके बाद मुंबई गोवा दोनों के व्लॉग आएंगे। तो इस ट्रेन को आप देखिए जा रही है हमारे सामने से। सही बताओ, ये ट्रेन काफ़ी सही लग रही थी मेरे को इतने पास से देखने में। एंड हम लोग अब कुछ ही देर में उज्जैन पहुंच जाएंगे। यहाँ पे हमारी ट्रेन ने हॉल्ट लिया थोड़ी देर का, तो हम लोग तो ब्रेक के बाद हमारी ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी। एंड उसके बाद हम लोग थोड़ी देर में लाइक 1 से 1.5 घंटे में उज्जैन पहुँच जाएंगे। सो अभी हॉल्ट है यहाँ पे। सो वी आर एट अवर होटल। सो यहाँ पे जाके हमने उज्जैन पहुँचे, सबसे पहले एक होटल बुक करा। एंड अभी हम लोग तो बैठे हैं, पापा जी और मामा जी वहाँ पे बुक कर रहे हैं, तो बाकी मेरी पूरी फैमिली बैठी है आराम से सोफों में। एंड क्योंकि नवरात्रि का सीज़न चल रहा था उस टाइम, तो जैसे ही हम लोग बाहर निकले हमको माता का जगराता देखने को मिला एकदम सामने। तो हमने हाथ जोड़े और माता जी के पैर पड़े, एंड उसके आगे हम लोग आगे गए रात को ऐसे ही वॉक में निकले थे। एंड फिर उसके बाद अगले दिन हमने उठ के सीधा ओमकारेश्वर की तरफ बढ़े, और वहाँ पे हम लोग उस पुल पे पहुँच चुके जिसके नीचे से नर्मदा नदी निकली हुई है। तो मैं आपको बता दूँ, जो ओमकारेश्वर टेम्पल है भगवान शिव का, वो मध्य प्रदेश के कांडवा डिस्ट्रिक्ट पे सिचुएटेड है। सुबह जब हम लोग इस ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं, एंड अब सीधा उस रास्ते में जा रहे हैं जो हमें डायरेक्ट ओमकारेश्वर भगवान के टेम्पल के अंदर ले जाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग सेल्फी वगैरह खींच रहे हैं, और कुछ लोग वापस आ रहे हैं और कुछ लोग जा रहे हैं। जैसे हम लोग जा रहे हैं और सामने वाले लोग वापस आ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। और ये जो पूरा सीन है नर्मदा नदी और इस ब्रिज का, वो काफ़ी मेरे को अच्छा लग रहा है पर्सनली। एंड आई गेस सभी को ही लग रहा है, क्योंकि इतना अच्छा यहाँ पे आर्किटेक्चर है, मैं क्या ही बोलूँ। एंड इसके आगे हम लोग आपको दिखाते हैं वहाँ की जो लोकल शॉप्स हैं जो इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद हमें दिखती हैं। सो ये वो लोकल शॉप्स हैं, यहाँ पे कोई माला बेच रहा है तो कोई प्रसाद, अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें सेल कर रहे हैं यहाँ पे। अब मैं आपको बता दूँ, अंदर कैमरा ले जाना अलाउ ही नहीं है, तो मुझे अपना कैमरा बाहर ही ड्रॉप करना पड़ेगा। इसके आगे का वीडियो आपको मेरे होटल से ही मिलेगा। एंड इसके बाद जैसे हम लोग अपने होटल में आए, उसके बाद हमको पता लगा कि यहाँ एक पास में ही एक भारत माता का टेम्पल है, जहाँ पे हम लोगों ने ऐसा मैप डिज़ाइन कर रखा था। एंड उसके ऊपर जितने भी इंडिया में शक्ति पीठ है, वो सारे जितने भी हैं उनकी एक लोकेशन बता रखी थी। वहाँ छोटे छोटे पेपर में, प्लास्टिक पेपर्स में उन लोगों ने लगा रखे थे उनके नेम, और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन करा था उनने मैप को। सो आप जैसे अपने स्क्रीन में अभी देख सकते हैं। एंड आई रियली अप्रिशिएट जो उनने डिज़ाइन करा है ऊपर, जैसे आपने माउंटेन्स बना रखे हैं वाइट कलर से, और फिर नीचे जो रेडिश कलर का जो उनने दिया है लुक, ओ बाकी काबिले तारीफ है। एंड इसके बाद जो अंदर टेम्पल के अंदर अपन लोग जाते हैं, तो ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है। अब आपको भारत माता के दर्शन कराते हैं। तो ये है हमारी भारत माता। एंड इसके बाद हम लोग निकल गए मुंबई के लिए। शू